तो गाइस जिसका डरता वही हो गया। एवरीवन कैसे हो, आई होप कि सब बड़े होंगे। तो गाइस सबसे पहले तो आज के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आज जो है आज गुरुवार है और आज तो मेरे गांव का मार्केट है, मतलब ज़्यादा दूर तो जाना ही नहीं पड़ेगा। और ये देखो मैंने प्याज जो है यहाँ पे खो गया है, अभी अभी कट को होता है, मतलब सिलाई मारने की है और अपनी गाड़ी में डालेंगे और लेके जाएंगे। तो गाइस यार मौसम तो है देखो काफ़ी चेंज हो गया है और अभी तो ये पाँचवा महीना चल रहा है, उतना बारिश आने की तो आज ज़्यादा मतलब ज़्यादा थोड़ी संभावना ज़्यादा है। तो इसलिए मैं अपने जो मार्केट में ज़्यादा माल नहीं लेके जाऊँगा, सिर्फ 3 कट्टे आलू और 3 कट्टे प्याज भी लेके जाऊँगा, क्योंकि अगर बारिश आ गई तो मान लो पूरा मार्केट की ऐसी तैसी हो सकती है। इसलिए कम ही माल लेके जाऊँगा, ज़्यादा नहीं लेके जाऊँगा। तो गाइस तब तक के लिए मैं अपनी गाड़ी भरता हूँ और मंडा देता हूँ अपनी गाड़ी पर ऊपर आलू और प्याज। तैयारी हो चुकी है और जो माल लेके जाना है मार्केट में वो सब डाल दिया गया और चलते हैं मार्केट में। और हवा का रुख भी काफ़ी तेज हो गया और बारिश की भी संभावना है, तो देखते हैं, वो तो अपने हाथ में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में देखते जो होगा वो होगा। तो चलते हैं मार्केट में, मिलते हैं सीधा मार्केट। कल जब भी मैं आया हूँ मार्केट में और देखो ये है मेरे गाँव का मार्केट और ये है मेरी दुकान, यहाँ पे ये है मेरी जगह, यहाँ पे मैं अपनी दुकान लगाता हूँ। और हवा का रुख ज़्यादा होने के कारण अभी मैं यहाँ पे सिर्फ माल उतार के रख दूँगा और दुकान नहीं लगाऊंगा, दुकान तो थोड़ी देर के बाद लगाऊंगा। तो देखते हैं मौसम को पहले शांत होने देते हैं और बाद में दुकान लगाऊंगा। तो गाइस जिसका डर था वही हो गया। यहाँ पे देखो बारिश शुरू हो चुकी है और मेरी ये दुकान देखो ढक गई है और यहाँ पे मैंने अपने आलू प्याज ढक लिया और अपने आलू प्याज खोल भी नहीं सकता क्योंकि आलू प्याज पानी की वजह से जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए अभी मैंने ढके। तो देखते हैं इंतजार करते हैं बारिश खुलने का, तभी खोलेंगे दुकान, नहीं तो ऐसे ही रहने देखो। जब बारिश रुक चुकी है और ये देखो सभी अपने अपने दुकान पे लगा रहे, तो मैं आपको अपने गांव के मार्केट की शेयर कराता हूँ। प्याज कैसे बोलना सच नहीं कहा क्योंकि अजून करते तो ये देखो गाइस ये गुलाबी भट्टा है, ये टमाटर और ये है पपीता। और ये देखो आयुष, आयुष ने आज लाया धनिया और आम। आज भी
तो दोस्तों ये देखो, ये आ गई मेरी दुकान। हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। तो गाइस आज बहुत ही परेशानी हुई क्योंकि बारिश आ रही थी, जा रही थी, बारिश आ रही थी, तीन बार आई और तीन बार निकली गई थी। उसके चक्कर में देखो दुकान को ढक के रखना पड़ा और आज माल ही नहीं बिका। देखो आलू जैसा का वैसा पड़ा है। तो मेरे बेला के मार्केट में जैसे दो कट्टे आलू बिक जाते हैं और दो कट्टे प्याज बिक जाते हैं, मगर आज तो एक कट्टा भी आलू नहीं बिका और प्याज भी नहीं बिका। तो आज मतलब रोजी तो नहीं है, तो कल करेंगे मुजबी के मार्केट में। तो यही माल करें कल मुजबी के मार्केट में लेके जाएंगे और इसको बेचेंगे और नया माल नहीं लाएंगे क्योंकि आज बारिश के वजह से, बारिश ने तो आज पूरा काम ही तमाम कर दिया और माल ही भी नहीं बिका। तो भाई जब मैं अपना देखो आलू प्याज भर लेता हूँ और जल्दी से संभाल लेता हूँ क्योंकि और हवा जो तेज़ हो गई है और बारिश आ सकती है। देखो आलू भी प्याज ज़्यादा पड़ा है तो ज़्यादा भरने का तो समय लगेगा, इसलिए अभी भरना स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। और आज का ब्लॉग मैं यही करता हूँ, यही।